और आपके दिमाग में इस चल रहा होता है कि इतनी सारी कुछ चीज़ें कुछ हो गई है कि अब तो वो आएगा ही नहीं। इतना बहस हो गया, इतना तू तू में हो गया है कि अब वो तो आने वाला है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिनेश और आप देख रहे हैं रेक्स। क्या ब्रेकअप के बाद आपका पार्टनर आपसे रिलेशनशिप में फिर से वापस आ सकता है? क्योंकि जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तब आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस होते हो और आपके माइंड में ये सवाल ज़रूर आता है कि क्या वो इंसान मेरे लाइफ में फिर से वापस आ सकता है। तो मैं ये बता दूं कि ये इसके बहुत सारे चांसेस होते हैं और इनफैक्ट मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि पार्टनर्स का ब्रेकअप हो गया है और फिर से वो एक टाइम के बाद हैप्पीली रह रहे हैं, इनफैक्ट उनकी शादी भी हो गई। लेकिन ब्रेकअप वाली सिचुएशन में आप ऐसी क्या गलतियां करते हो जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाता है, और जिन गलतियों को आपको अवॉइड करना चाहिए इस सिचुएशन में? तो मैं सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा ताकि यदि आपकी ब्रेकअप वाली सिचुएशन है या ब्रेकअप हो चुकी है तो आप इन गलतियों को नहीं करो ताकि आपका पार्टनर फिर से आपके रिलेशनशिप में वापस आ जाए और फिर से आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाओ। इसके पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसे मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब आपकी काफ़ी ज़्यादा फाइट होने लगती है पार्टनर से, जब आपको ये लगने लगता है कि रिलेशनशिप अब छूट रहा है, और यदि कभी आपको गुस्से से जब आप काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर देते हो अपने पार्टनर को, तो पार्टनर गुस्से से आपको बोल देता है कि मैं ब्रेकअप कर लूँगा, मैं ब्लॉक कर दूँगा, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है, मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है, और इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डर जाते हो। और ऐसा सारे लोगों के साथ होता है, क्योंकि एक वो इंसान जो आपको काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, आपकी काफ़ी ज़्यादा केयर करता है, और जब वो इंसान आपको ऐसा बोलता है तो डरना तो लाजमी है। लेकिन आपका यही डर आपको बहुत सारी गलत एक्टिविटी करने से मजबूर कर देता है, जिसके वजह से पार्टनर आपसे धीरे धीरे दूर होने लगता है। तो आखिर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए ऐसी सिचुएशन में? देखिए, जब फाइट होनी शुरू होती है, जब आपके अंदर ये डर आना शुरू हो जाता है कि नहीं, पार्टनर हमसे छूट रहा है, पार्टनर हमसे दूर जा रहा है, दूर हो रहा है, उस समय आप पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करने लगते हो आप अपनी डर की वजह से। तो पहले आप अपना डर हटा दीजिए, क्योंकि आप जब डरे रहते हो तो आप इतने ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हो। मैं सारे वीडियो में बोलता हूँ कि रिलेशनशिप में कभी भी कमज़ोर मत होइए। जब आप काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हो तब आप पार्टनर के पीछे भागने लगते हो, और जहाँ आप पार्टनर के पीछे भागना शुरू कर देते हो वहाँ आपकी वैल्यू कम होने लगती है। आप बार बार पार्टनर से मिन्नत करने लगते हो, ऐसा क्या हुआ, क्यों जा रहे हो छोड़ के, और जिसके वजह से आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट भी डाउन होने लगती है। और कोई भी इंसान उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहता है जिसकी ना तो वैल्यू है ना सेल्फ रेस्पेक्ट है। और आप इस प्रोसेस के दौरान, इस समय आप वही करते हो, आप अपनी वैल्यू डाउन करते हो अपने पार्टनर के सामने, आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट पूरे पूरे दांव पे लगा देते हो, क्योंकि आप इतना ज़्यादा डरे हुए रहते हो। और डर का भी कारण है, थोड़ी सी लड़ाई हुई कि आप काफ़ी ज़्यादा डर जाते हो, अरे मैंने तो ये बोल दिया उसे, अब वो तो मुझे छोड़ के चला जाएगा, उसने तो मुझे ऐसा बोल दिया कि अब वो तो जा रहा है। ये बस शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्योंकि माहौल ही वैसा बन गया हुआ रहता है कि वो भी जो उसके दिमाग में आता है आपके पार्टनर के दिमाग में वो भी वो बकना शुरू कर देता है, और आप भी, आपके दिमाग में भी जो होता है आप भी बोलना शुरू कर देते हो।
और आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि इतनी सारी कुछ चीज़ें कुछ हो गई है कि अब तो वो आएगा ही नहीं। इतना बहस हो गया, इतना तू-तू में हो गया है कि अब वो तो आने वाला है ही नहीं। तो आप इस सिचुएशन में ऐसी गलतियां नहीं करो। तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, चाहे सिचुएशन कितना भी हीट क्यों ना हो चुका हो, कितना भी गंदा क्यों ना हो चुका हो, वहाँ पे एक स्पेस देने पे ध्यान दीजिए। पार्टनर को रिलैक्स होने दीजिए, उसने क्या बोला, आपने क्या बोला, वो चीज़ें भूल जाइए। एक समय के बाद आप भी वो चीज़ें भूलने लगोगे और सामने वाला इंसान भी भूलने लगेगा। यकीन नहीं होता है तो आप अगर यदि आपकी लड़ाई हुई, 3-4 दिन रिलैक्स होके देखिए। 3-4 दिन के बाद आपको खुद लगने लगेगा कि नहीं, पार्टनर भी मुझे याद कर रहा होगा, वो सारी चीज़ें वो भी भूल गया होगा, क्योंकि आप भी भूल गए हुए रहते हो उन चीज़ों को। तो बस जब लड़ाई हुई तो 3-4 दिन, 5-6 दिन, 8-10 दिन रिलैक्स कीजिए, टेंशन मत लीजिए। क्योंकि यदि आप टेंशन लेते हो तो फिर पार्टनर के पीछे जाओगे, फिर से वो इरिटेट होगा और फिर से आपकी वैल्यू कम होगी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होगी। तो उसे भी, अपने पार्टनर को भी सोचने का मौका दीजिए अपने बारे में, ताकि उसे भी सोचने का मौका मिले सही और गलत क्या है, उसे भी आपको मिस करने का मौका मिले, ताकि वो भी आपको कांटेक्ट करेगा और कांटेक्ट करना इनफैक्ट ज़रूरी समझेगा। रिलेशनशिप 2 दिनों की नहीं होती है, रिलेशनशिप एक लंबे समय की बॉन्डिंग होती है, तुरंत कोई नहीं चला जाता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी, यदि आपके रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन है तो। और आपके मन में यदि कोई ऐसा सवाल है या आपके रिलेशनशिप में ऐसी कोई सिचुएशन है जिसे आप डील नहीं कर पा रहे हो, तो आप मेरे इंस्टा पे DM कर सकते हो। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। नमस्कार।